हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो मेरा वीडियो है वो मसूरी ट्रिप का सेकंड पार्ट है। सॉरी, मैं ये सेकंड पार्ट बहुत लेट लेकर आ रही हूँ। किसी कारण से ये वीडियो में से मिस हो गए थे तो अभी मुझे मिले हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको जो मैंने सेकंड पार्ट बनाया है उसको मैं पूरा कर दूँ, तो उसके लिए सॉरी आपसे। और ये देखिए, मसूरी हम नाग टेम्पल से अपने होटल पहुँच गए थे और होटल से वहाँ के बाहर का जो सनसेट का नज़ारा था वो बहुत ही खूबसूरत था। पूरा हमने सनसेट होते हुए देखा और बहुत ही खूबसूरत ये नज़ारा था, जिसे मैंने अपने कैमरे में कैच कर लिया और आपको भी अच्छा लगेगा इसे देखकर। और ये देखिए, बिल्कुल हमारी आंखों के सामने सूरज जो है बिल्कुल छिप गया आसमान में, पता ही नहीं चला कि कहाँ वो छुप गया। कुछ देर फिर हमने सनसेट होने के बाद हमने कुछ देर रेस्ट किया अपने रूम में, और रेस्ट करने के बाद हम लोग ने बाहर देखा तो बाहर का जो नज़ारा था बिल्कुल अंधेरा हो गया था, और अंधेरे में जो सामने जो पहाड़ों में लाइट थी वो बिल्कुल ऐसे लग रही थी जैसे कि तारे ज़मीन पे होंगे। आपको भी मैं दिखाती हूँ कितना खूबसूरत ये नज़ारा था। ये देख लीजिए, नीचे की साइड जो पहाड़ हैं उनमें जो लाइट जल रही है वो ऐसा लग रहा जैसे कि तारे ज़मीन पर आ गए होंगे, और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और कुछ देर हमने बाहर खड़े होकर इन नज़ारों का आनंद लिया। बहुत ही खूबसूरत यहाँ से इनको देखना लग रहा था, बिल्कुल तारे की तरह टिमटिमा रहे थे और बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। और सामने ही था हमारा रूम, और रूम से तो बाहर का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था। बहुत ही अच्छी जगह हमारा रूम था। फिर हम लोग निकल गए मॉल रोड की साइड, और मॉल रोड एक मार्केट है जहाँ पर आपको कुछ भी ज़रूरत का सामान हो, यहाँ पर सारा ज़रूरत का सामान आपका अवेलेबल था, सब कुछ था यहाँ पर, खाने पीने से लेकर कपड़े जो भी आपको ख़रीदना हो तो सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल था। और रात को भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चहल पहल थी, और बहुत ही खूबसूरत से सजाया गया था इस मॉल रोड को, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और बहुत देर तक हम लोग ने मॉल रोड में घूमे, और यहाँ से खाना खा पीकर हम लोग अपने रूम की ओर निकल गए, क्योंकि नेक्स्ट डे हमने निकलना था धनौल्टी के लिए। और धनौल्टी से हम लोग गए टेहरी डैम, और वहाँ के तो नज़ारे बहुत ही खूबसूरत थे, देखने लायक थे। तो प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, एंड तक आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है मेरे वीडियो में। तो तब तक आप मॉल रोड की सैर कीजिए। और पूरा मॉल रोड घूमने के बाद हम लोग गए बहुत ज़्यादा थक, और उसके बाद हमने रात में आराम किया और नेक्स्ट डे की तैयारी शुरू हो गई। मॉर्निंग हो गई थी और फिर हम लोग धनौल्टी निकलने वाले थे, तो चलिए आप सबको भी दिखाते हैं धनौल्टी। और फिर हम पहुंच गए धनौल्टी के इको पार्क पे, और जो इको पार्क था वो बहुत ही खूबसूरत था। एक तो ये था कि ये बहुत ऊँचाई पर था, ये जो पार्क है बहुत ही ऊँचाई पर था, पहाड़ की बिल्कुल चोटी पर था, और उससे नीचे का नज़ारा तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था, आप सब भी देखिए कितना खूबसूरत ये नज़ारा है।
ज़्यादा गेम्स वगैरह तो यहाँ पर नहीं थे, लेकिन यहाँ पर जो बैठकर आपको शांति मिलती वो बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पर बैठ के। तो हमने यहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड किया और यहाँ पर एक निशानेबाजी वाले थे तो कुछ निशानेबाजी भी हमने की, निशाना लगाया। ये मेरा बेटा है, इसने भी निशाना लगाए थे, यानी कि हम सभी ने ही बारी बारी से ट्राई किया था और बहुत ही इन्जॉय किया हमने यहाँ पर। आप लोग भी देखिए और इन्जॉय कीजिए। इको पार्क के बाद हम लोग निकल गए टहरी डैम की ओर और टहरी डैम हम लोग अब हम पहुंच गए हैं टहरी डैम। और ये तो बहुत ही खूबसूरत जगह थी, बहुत ही खूबसूरत। और यहाँ पर हमने वोटिंग की और वोटिंग थी, नॉर्मल वोटिंग भी आप कर सकते थे, लेकिन हमने स्पीड बोट को चूज़ किया। हमने स्पीड बोट में हमने वोटिंग की और बहुत ही अच्छा लगा हमें। तो आप लोग भी हमारे साथ इंजॉय कीजिए। देखिए, वोटिंग के लिए सेफ्टी जैकेट पहनने ज़रूरी थी तो हम लोगों ने सेफ्टी जैकेट पहनी और फिर हमने वोटिंग की। और
25 मिनट वोटिंग करने के बाद हम लोग ने निकलना था सरकुंडा माता मंदिर की ओर, और हम लोग निकल गए सरकुंडा माता के मंदिर। और ये था सरकुंडा माता का मंदिर, यहाँ से चढ़ाई स्टार्ट थी क्योंकि बहुत ऊंचाई पर था मंदिर। जैसे वैष्णो देवी माता का मंदिर है ऊंचाई पर, उसी तरीके से ये जो माता का मंदिर था ये भी बहुत ऊंचाई पर था। तो हमने चढ़ाई स्टार्ट करनी थी, लेकिन इतना ज़्यादा ऊंचा नहीं था जितना माता वैष्णो देवी जी का है, वो तो बहुत ज़्यादा चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। लेकिन इसमें भी 1 से 1.5 घंटा हमको लग गया था ऊपर पहुँचने में। और ये दिख रहा है मंदिर ऊँचाई पर है, और अब हमने चढ़ाई स्टार्ट कर दी है। और यहाँ के जो रास्ते थे वो भी बहुत ख़राब थे ऊपर चढ़ने के, और ऊपर पहुँचते पहुँचते तो अंधेरा भी हो गया था और लाइटिंग भी नहीं थी, बहुत दूर दूर पर लाइट लगा रखी थी, तो चढ़ाई करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। दर्शन के बाद हम लोग नीचे उतरने लगे और लाइटिंग नहीं थी, तो हम जो भी पर्यटक वहाँ आए थे सभी ने फ़ोन की टॉर्च की रोशनी से नीचे उतरना स्टार्ट किया। और लाइटिंग कहीं कहीं पर थी, बीच बीच में बहुत अंधेरा था और रास्ता भी बहुत ख़राब था, ऊंचा नीचा था, और चारों ओर जंगल था और बीच में माता जी का मंदिर था बहुत ऊँचाई पर, तो थोड़ा डर भी लग रहा था वहाँ पर। और इसी तरीके से ऊंचा नीचा रास्ता पार करने के बाद हम लोग पहुंच गए नीचे, और हमारी ट्रेन थी और हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे यहीं पर ही, लेकिन माता जी के दर्शन बहुत ज़रूरी थे हमें करने, लेकिन माता जी के दर्शन बहुत अच्छे से हो गए और हम लोग पहुंच गए फिर अपने घर दिल्ली। आई होप कि आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा, आपने मेरे वीडियो को इंजॉय किया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो भी मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।